नमस्कार, आपका स्वागत है इंस्टाफीड में। मैं दीपाक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ी 10 बड़ी खबरों पर रफ्तार से। एक्ट्रेस कंगना नाव मुंबई पहुंच चुकी है। एयरपोर्ट से बाहर मुंबई की धरती पर उन्होंने कदम रख लिया है। शिवसेना के कार्यकर्ता इस दौरान उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। तेलुगु टीवी एक्ट्रेस श्रावणी कोंटापल्ली ने खुदकुशी कर ली है। परिवार का आरोप है कि एक्ट्रेस ने अपनी पूर्व प्रेमी देवराज रेड्डी के उत्पीड़न से परेशान होकर यह कदम उठाया है। मुंबई हाईकोर्ट ने कंगना का साथ देते हुए उनके ऑफिस में अवैध निर्माण तोड़ने पर रोक लगा दिया। हाईकोर्ट में हुई कार्रवाई में फैसला कंगना के पक्ष आया है, लेकिन इससे पहले ही पीएमसी अपना काम कर चुकी थी। सुशांत केस में ड्रग एंगल सामने आने के बाद रिया चक्रवर्ती को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भैखाला जेल भेज दिया गया है। एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत रिया की गिरफ्तारी की गई। अब 22 सितंबर तक रिया उसी जेल में रहेगी। कंगना रनौत बीएमसी द्वारा ऑफिस पर हथौड़ा चलाने के बाद काफी गुस्से में आ गई। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि आज इतिहास फिर दोहराएगा, राम मंदिर फिर टूटेगा, मगर याद रख बाबर, यह मंदिर फिर बनेगा। टीवी सीरियल बालिका वधू में नजर आने वाली एक्ट्रेस सुरेखा सिकरी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है और उनकी इस स्थिति को देखकर तुरंत ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। रिया चक्रवर्ती की खबर के बाद बॉलीवुड के कई सेलेब्स रिया के समर्थन में उतरे हैं। इस लिस्ट में सोनम कपूर से लेकर श्वेता बच्चन तक शामिल है। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने रिया का समर्थन जताते हुए लोगों के बीच कुछ पोस्ट शेयर किए हैं। अक्षय कुमार ने अपने बर्थडे पर फैंस को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। बेल बॉटम में अक्षय कुमार का लुक जारी कर दिया गया। उनका रेट्रो अवतार देख फैन काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। अनुराग कश्यप सुशांत की मैनेजर के साथ लंबे वक्त से टच में थे। इतना ही नहीं, एक्टर की मौत से पहले भी उनकी बात हुई थी और 14 जून को भी दोनों के बीच बातचीत देखने को मिली। अब खुद अनुराग ने उन चैट को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। उन्होंने बताया है कि सुशांत उनके साथ काम करना चाहते थे। एक्टर ऋतिक रोशन और करिश्मा कपूर की फिल्म फिजा को रिलीज हुए 20 साल पूरे हो गए हैं। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर फिल्म के सेट से जुड़ी पुरानी तस्वीरें शेयर की है, जिसमें लिखा गया है मेकिंग मूवी #फिजा। InstaFeed.